केवल तेरे साथ बैठू प्रभु तुझसे बातें करूं। उत्पत्ति का पुस्तक 23 अध्याय 19वां आयत। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। परमेश्वर ने अब्राहम को और उनके पीढ़ी को कनान देश वादा के रूप में बताया है, परंतु अब अब्राहम लगभग बूढ़े हो चुके हैं और जो बच्चे प्रभु दिए हैं वो अभी भी जवान हैं। कनान देश को हासिल करना कब होगा या अपने जीवन में होगा इसके बारे में अब कोई निश्चय नहीं है, लेकिन अपने जीवन में प्रभु ने दिया वादा के विषय में कभी भी शक नहीं किया, अपने दर्शन से कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, चाहे मृत्यु हो चाहे जीवन हो। अब्राहम का पत्नी सारा जब उसका मृत्यु हुआ उसे दफनाने के लिए एक मिट्टी का इंतजाम अब्राहम ने उस कनान देश का जो बर्शेवा में किया है। मृत्यु भी उनके जीवन का दर्शन को नष्ट करने नहीं दिया, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, जो अनंत काल के जीवन है, जो अनंत काल के स्वर्ग राज्य इटर्नल लाइफ, इसमें से कहीं भी किसी भी वक्त हटना नहीं चाहिए। उस अनंत काल का जीवन हमारा लक्ष्य है। ऊंचाई में गहराई में मृत्यु में जीवन में तेरी हजूरी हो प्रभु परमेश्वर। चाहे हमारा मृत्यु के द्वारा चाहे हमारा जीवन के द्वारा कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन का लक्ष्य उस अनंत काल का जीवन है, उस स्वर्ग राज्य है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।